Hello, good morning students. I hope you all are fit and fine. आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे लास्ट टू लेक्चर से स्टार्ट है. हम लोग पढ़ रहे थे टैक्सोनॉमिक टूल्स, मतलब वर्गीकरण में कौन कौन सी जो टूल्स हैं वो हमें हेल्प करते, कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो हमें वर्गीकरण में सहायता प्रदान करते. हम लोगों ने लास्ट टू लेक्चर में देखा, पहले हमने फ्लावर से रिलेटेड टर्म्स देखी थी, आप लोगों ने ब्रैक्ट, ब्रैक्टियोलेट, ठीक है, पेडिसिलेट, इसके अलावा एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोनोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस, पैरीगाइनस, फिर आप लोगों ने कैलिक्स से रिलेटेड देखी, करोला से रिलेटेड देखी, पैरियन से रिलेटेड देखी, उसके बाद आप लोगों ने एंड्रोशियम से रिलेटेड देखी. आज हम लोग जो भी हमारे टैक्सोनॉमिक टूल्स देखेंगे वो देखेंगे गाइनोशियम. गाइनोशियम क्या है? हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है ये हम लोग आज देखेंगे. आप लोगों को पता है कैलिक्स का सिंगल यूनिट सेपल, करोला का सिंगल यूनिट पेटल, एंड्रोशियम का सिंगल यूनिट स्टैमन और गाइनोशियम का सिंगल यूनिट कार्पल होता है. क्लियर? एक और बीच में आया था कि जो कैलिक्स और करोला अनडिफरेंशिएटेड हो, मींस इनमें हमें पता नहीं चले कि कैलिक्स है या करोला है, दैट इज कॉल्ड पेरियंथ पी, और पेरियंथ की सिंगल यूनिट क्या थी? टैपल. ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइनोशियम. गाइनोशियम में कार्पल, नंबर ऑफ कार्पल के बेस पर हम लोग सिक्स टर्म्स देखेंगे. मोनोकार्पेलर मींस एक कार्प. अगर अवरी में या हम कह सकते हैं गाइनोशियम में एक कार्पल है तो उसको हम कहेंगे मोनोकार्पेलरी. ओके, अगर दो है बाई कार्पेलरी, अगर दो कार्पल है तो बाई कार्पेलरी, ठीक है. अगर तीन ट्राई कार्पेलरी मींस तीन कार्पल अगर होते हैं तो उसको हम कहेंगे ट्राई कार्पेलरी. फिर टेट्रा कार्पेलरी मींस चार कार्पल. ओके, देन पेंटा कार्पेलरी मींस पांच कार्पल. एक कार्पल है मोनोकार्पेलरी, दो है बाई, थ्री है ट्राई, फोर टेट्रा और फाइव है तो पेंटाकार्पेलरी. अब पांच से ज्यादा है, ठीक है, यहां अगर मोर देन फाइव है तो उसको कहेंगे मल्टी कार्पेलरी. अगर पांच से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट रहेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? मल्टी कार्पेलरी. ओके, फिर नेक्स्ट आता है, एक टर्म आती है एपोकार्पस और सिंकार्पस. आप लोगों ने जो है पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस, पॉलीसेपेलस, गैमोसेपेलस टर्म पढ़ी थी कि अगर पेटल्स फ्यूज होंगे, है ना, अगर पेटल्स फ्यूज होंगे तो उन्हें हम गैमो पेटलस कहेंगे, अगर सेपल फ्यूज होंगे तो उन्हें हम गैमो सेपलस कहेंगे. उसी तरह से कि जब हमारे कार्पल्स फ्यूज होंगे तब हम उन्हें कहेंगे सिनकार्पस, ठीक है, और अगर ये फ्री होंगे, अलग अलग होंगे कार्पल्स, तो उन्हें कहेंगे हम एपोकार्पस. फ्री, जब ये फ्री होंगे, अलग अलग होंगे तो ये कहलाएंगे एपोकार्पस, और जब ये एक साथ होंगे फ्यूज, जब ये फ्यूज होंगे तो इन्हें हम कहेंगे सिनकार्पस. ओवरी जो होती है, ठीक है, उसमें लॉक्यूल होते हैं, खांच होती है, अगर उनमें एक लॉक्यूल हो तो उसको कहेंगे हम सिंगल लॉक्यूल. ई लॉक्यूल होगा तो हम उसे कहेंगे यूनिलॉक्यूलर, ठीक है, अगर दो होंगे तो बाई लॉक्यूलर, अगर तीन होंगे
ट्राई लॉकेडर। अगर चार होंगे टेट्रा, पांच होंगे पेंटा और पांच से ज्यादा होंगे तो मल्टी लॉकेडर। क्लियर? यहां ये टर्म्स आप लोगों ने देखी कार्पल से रिलेटेड कि अगर ओवरी में एक कार्पल होगा, सॉरी अगर गायनेशियम में एक कार्पल होगा मोनोकार्पेलरी, दो बाइकार्पेलरी, तीन ट्राइकार्पेलरी, चार टेट्रा, पांच पेंटाकार्पेलरी, पांच से ज्यादा मल्टीकार्पेलरी। अगर ये सारे कार्पस अलग अलग हो, फ्री हो, तो उसको कहेंगे एपोकार्पस। और अगर ये सारे के सारे फ्यूज हो तो उसको हम कहते हैं सेनकार्पस। क्लियर? उसके बाद हम लोग देखते हैं लॉक्यूल। ओवरी में लॉक्यूल कितने हैं? अगर एक है यूनिलॉक्युलर, दो है बाइलॉक्युलर, तीन ट्राइलॉक्युलर, चार टेट्रालॉक्युलर, पांच पेंटालॉक्युलर और पांच से ज्यादा मल्टीलॉक्युलर। इसके बाद हम लोगों ने फ्लावर को थैलेमस के बेस पर थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से? हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। तो यहां पर हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस जो फ्लावर थे उसमें ओवरी की पोजीशन भी आपको अलग अलग दिखेगी। तो इसके बेस पर हम लोग थ्री टर्म्स बताते हैं कि ओवरी में थ्री टर्म्स कैसे होती हैं। देखें, ओवरी सुपीरियर कब होगी? जब फ्लावर हाइपोगाइनस होगा तो ओवरी हमेशा क्या होगी? सुपीरियर होगी। इसमें आप लोग देखते हो हाइपोगाइनस में क्या होता है, ओवरी सबसे अपर पार्ट पर, मतलब गायनोशियम सबसे अपर पार्ट पर और बाकी की जो साइकिल है वो इसकी लोअर पार्ट से डेवलप हो रही है। तो यहां पर ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर होगी। फ्लोरल फॉर्मूला में हम लोग सुपीरियर ओवरी को, भाई फ्लोरल फॉर्मूला में हम मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को किससे शो करते हैं? जी से। और ओवरी सुपीरियर होगी इसको हम लोग ऊपर नहीं लगाएंगे। ओवरी जब सुपीरियर होती है तो हम उसको जो ये निशान है वो क्या करते हैं? जी के नीचे लगाते हैं। अगर जी के नीचे लगा हुआ है मींस ओवरी सुपीरियर है, फ्लावर हाइपोगाइनस। सुपीरियर के बाद इसका जस्ट अपोजिट है इंफीरियर। इंफीरियर मतलब एपिगाइनस। थैलेमस कप शेप स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, ओवरी इस तरह से थैलेमस में प्रेजेंट होगी और बाकी हमारे जो साइकिल है वो इस तरह से इसके ऊपर से डेवलप होंगे। ठीक है, ये ओवरी कैसी होगी? इंफीरियर। अब ओवरी जब इंफीरियर होती है तब हम इसके अपर पार्ट पे ये स्लैश का निशान लगाते हैं। ओके, अगर ये वाली कंडीशन आपको दिख रही है तो मींस आपको सोच लेना है कि ओवरी हमारी कैसी है? इंफीरियर है। ओके, और फ्लावर कैसा है हमारा? एपिगाइनस। तीसरा जो टर्म आता है वो आती है हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर, मतलब ना तो सुपीरियर ओवरी है और ना ही इंफीरियर ओवरी है। ये होता है हमारा पेरिगाइनस टर्म, जिसमें आप लोग देखते हैं कि थैलेमस कप शेप स्ट्रक्चर है जिसमें आपकी ओवरी और बाकी सभी साइकल्स वो एक सेम पोजीशन से डेवलप होगी। तो यहां ओवरी ना तो सुपीरियर होगी ना ही इंफीरियर होगी, यहां ओवरी जो होगी वो क्या होगी? हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से बीच में लगा के। क्लियर? आपको ओवरी के बेस पर, ओवरी की पोजीशन के बेस पर आपको तीन टर्म्स देखी, सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर ओवरी। ये टर्म आप लोग फ्लावर के टर्म्स के साथ ही लिख सकते हैं। अगर आप लोगों ने जब डिस्क्रिप्शन किया किसी भी फैमिली में, उस फैमिली में अगर आप फ्लावरिंग करेक्टर लिख रहे हो और उन फ्लावरिंग करेक्टर में आपने ये लिख दिया कि फ्लावर इज हाइपोगाइनस, कि पुष्प हाइपोगाइनस है, तो आपका गाइनोशियम में एक टर्म कंफर्म हो गई कि
फ्लावर अगर हाइपोगाइनस है तो ओवरी कंफर्म सुपीरियर है, फ्लावर अगर पेरिगाइनस है तो ओवरी हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर है, फ्लावर अगर एपी गाइनस है तो ओवरी कंफर्म इंफीरियर है। फ्लोरल फॉर्मूला में भी हम लोग इस चीज को देखकर पता लगा सकते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं ना, सबसे पहले ब्रैक्ट अगर प्रेजेंट होगी या नहीं होगी। अब तक आप लोग यहां पहुंच गए हो तो फ्लोरल फॉर्मूला का भी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि अगर प्रेजेंट होगी तो हम बी आर लिखेंगे और अगर एबसेंट होगी तो ई बी आर। ब्रैक्ट हो, ब्रैक्टिवलेट होगी तो मेंशन करेंगे, नहीं होगी तो हम मेंशन नहीं करेंगे। फ्लावर दो तरह से होता है, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगनोमॉर्फिक, सिमेट्री के बेस पे। एक्टिनोमॉर्फिक आपको बताया था कि हम किसी भी जगह से उसको काटे तो वो टू इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाए, लेकिन जाइगनोमॉर्फिक में ओनली सिंगल। तो अगर एक्टिनो होगा तो ये, जाइगनो होगा तो ये, ठीक है। अब सेक्सुअलिटी की बात करें, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा तो ये वाला सिंबल लगाते हैं, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल मेल है तो ये वाला, और अगर फीमेल है तो ये वाला, ठीक है। उसके बाद कैलेक्स, कैलेक्स को हम लोग सी से नहीं करेंगे, के से रिप्रेजेंट, क्लियर। और सेपल का जो नंबर है, जितने भी नंबर है, चाहे वन हो, टू हो, थ्री हो, फोर हो, फाइव हो, यहां लिखेंगे। अगर ये कह रहा है सेपल फाइव है तो यहां हम फाइव सेपल लिखेंगे। फिर आप लोगों ने टर्म पढ़ी है गैमोसेपलस और पॉलीसेपलस, अगर पॉलीसेपलस है तो ऐसे लिखेंगे, अगर गैमो कंडीशन बता रहे हैं तो हम इसके ब्रैकेट लगा देते, पॉली होगी तो हम विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे, और अगर गैमो है तो हमने ब्रैकेट लगा दिया, ओके। फिर उसके बाद सी करोला, पेटल्स का नंबर, अगर पेटल फाइव है तो फाइव लिखा, फोर है तो फोर लिखा, कह दें टू प्लस थ्री है तो टू प्लस थ्री लिखा, मतलब टू एक साथ है, तीन एक साथ है। अगर ये फ्री है तो हमने इसे फाइव लिखा, फ्री है तो फ्री लिख देंगे, मतलब पॉलीसेपलस, सॉरी पॉलीपेटलस, और अगर ये फ्यूज है तो ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया एंड्रोशियम, जितने हैं उतने लिखे, मान लो टेन बोला तो टेन लिख दिया, अगर ये जुड़े हुए हैं तो ब्रैकेट, अगर नहीं है तो विदाउट ब्रैकेट। गाइनोशियम, कार्पल कितने हैं, वन है, टू है, बोला थ्री है तो थ्री, सिनकार्पस या एपोकार्पस, एपोकार्पस ऐसे लिखेंगे, सिनकार्पस अगर बताएगा तो हम इसके ब्रैकेट लगा देंगे, यहां ओवरी सुपीरियर है तो ऐसे कर देंगे, अगर ओवरी इंफीरियर है तो ऐसे कर देंगे, अगर हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर है तो ऐसे कर देंगे। एपिपेटलस कंडीशन बताया था ना स्टेमन का, अगर पेटल से अटैच है तो यू लगा देंगे, अगर गाइनोशियम से अटैच है तो यू लगा देंगे, ठीक है। अगर कैलिक्स और करोला डिफ्रेंशिएट नहीं है तो पी लिख देंगे, पी पी के बाद ए जी, इनसे रिलेटेड। तो ये थोड़ा सा आइडिया मैंने आप लोगों को फ्लोरल फॉर्मूला का भी यहां दिया, आगे जब हम फैमिली पढ़ेंगे तो हम और क्लियर पढ़ेंगे। अब हमने गाइनोशियम का ओवरी से रिलेटेड टर्म पढ़े, अब एक आता है प्लासेंटा, ठीक है, बीजान, जहां पर सीड्स का अरेंजमेंट हो। प्लासेंटा क्या होता है कि किसी भी ओवरी में सीड जहां जिस लोकेशन में प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्लासेंटा। और अरेंजमेंट ऑफ सीड्स जो होता है दैट इज कॉल्ड प्लासेंटेशन, बीजांडान्यास, बीजांडान्यास, बीजांड में का क्या कह सकते हैं, बीज जो होते हैं उनका विन्यास कैसा होगा, वो किस तरह से अरेंज होंगे, उसको हम क्या कहते हैं, बीजांडान्यास। तो बीज की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, प्लासेंटेशन। और हम लोग डिफरेंट टाइप के जो हमारे एंजियोस्पर्म है उनमें पाए जाने वाली जो हमारा गाइनोशियम है, इस गाइनोशियम में ओवरी जो पार्ट है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सीड्स जो है वो अरेंज होते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा मटर में अलग तरह से होते हैं, अगर हम नींबू देखें उसमें अलग तरह से होते हैं, आम जो है उसमें अलग तरह से होते हैं, अनार जो है उसमें अलग तरह से होते हैं। अगर नहीं देखा तो इस बार आप जो भी फ्रूट या वेजिटेबल खाएं उनको थोड़ा सा ध्यान से देखें कि क्या सब में एक जैसे सीड्स लगे होते हैं,
सब में इनका अरेंजमेंट एकदम सेम होता है। इस बार नोटिस करें, जब भी आप इन चीजों को खाएं तो आप बिल्कुल नोटिस करें कि क्या प्रॉपरली सब में एक जैसे अरेंजमेंट के साथ हम लोग इनको खाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया प्लासेंटेशन मींस प्लासेंटा बीजांड जो होता है उस बीजांड पर जो बीज है उनका जो अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट ऑफ सीड ऑन प्लासेंटा इज नोन एज प्लासेंटेशन। ठीक है, प्लासेंटेशन बीजांड न्यास कैसा होता है, बीज का अरेंजमेंट कैसा होता है। इसको अगर हम देखें तो हम लोगों को थ्री है, मार्जिनल एक्साइल प्लासेंटेशन, सी सेंट्रल प्लासेंटेशन, सुपरफिशियल प्लासेंटेशन, बेसल प्लासेंटेशन, पैराइटल प्लासेंटेशन। इस तरह से हमें सिक्स टाइप की प्लासेंटेशन देखने को मिले। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मार्जिनल प्लासेंटेशन, मार्जिनल प्लासेंटेशन मार्जिन मतलब जो भी फ्रूट या हम कहेंगे ओवरी जो वॉल होगी उसके मार्जिन मींस उसके किनारों पर जो प्रेजेंट होगा उसको हम कहते हैं मार्जिनल प्लासेंटा। एकदम जो किनारे पर अगर ओव्यूल प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं मार्जिनल प्लासेंटेशन। अगर इसके मार्जिन पर जैसे कि मटर वगैरह के जो मार्जिन होते हैं, जो किनारे होते हैं, जितनी भी हमारी लेग्यूम्स हैं, फलियां हैं, उनके किनारों पर पाए जाने वाला जो प्लासेंटेशन है उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्लासेंटेशन। ठीक है, मार्जिनल प्लासेंटेशन इस तरह से आप लोग देख रहे हो मार्जिन जो है इसके कॉर्नर्स जो है इन्हीं पर हमारे ओव्यूल लगे हुए हैं। ठीक है, ये जो एग्जांपल है ये हमारा मार्जिनल प्लासेंटेशन का है, मींस मार्जिन पर अगर आपकी ओव्यूल लगा हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं मार्जिनल प्लासेंटेशन। फैबेसी जिसको हम लेग्यूमिनेसी फैमिली भी कहते हैं, जो हमारे लेग्यूम्स होती है, फलियां होती है, मूंग मोठ जितनी भी दालें हैं, अरहर की दाल, मूंग उड़द की दाल, ठीक है, या जो हम कह सकते हैं मटर है, चना है, ये सब कैसे इस तरह से मार्जिन पर लगे होते हैं। तो जिन जिन फैमिलीज में अगर ओव्यूल जो है वो हमारे फ्रूट मार्जिन या ओवरी के मार्जिन पर लगे होंगे उन्हें हम मार्जिनल प्लासेंटेशन बोले। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकेंड वन की। सेकेंड वन हम कहते हैं एक्साइल प्लासेंटेशन। एक्साइल प्लासेंटेशन में क्या होगा कि जो हमारी ओवरी होगी इसमें इस तरह से अलग अलग कॉलम्स बने होंगे और इन कॉलम्स में यहां पर क्या होता है ओव्यूल लगे होते हैं, ये ओव्यूल है। इस तरह की कंडीशन जब आती है उसको हम क्या कहते हैं एक्साइल प्लासेंटेशन, जिसमें क्या होता है कॉलम्स बने होते। सोलेनेसी फैमिली हमारे मिर्ची है, जो हमारे कैप्सिकम है ना, कैप्सिकम है, जो हमारा बैंगन है, टमाटर है, उनमें इस तरह का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा जिनमें क्या होंगे कॉलम्स होंगे। आप लोगों को एक कैप्सिकम का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें देखो अलग अलग कॉलम बने हुए हैं और इन कॉलम में आप देख रहे हो बीच में ये जो व्हाइट व्हाइट कलर की जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ना, इस व्हाइट स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, इस व्हाइट स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा, ये हमारे ओव्यूल है। ठीक है, ये हमारे बीजांड थे जो बीज में चेंज हो गए हैं। इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो प्रेजेंट होता है आपका एक्साइल प्लासेंटेशन में। तो आप लोगों ने देखा कि एक्साइल प्लासेंटेशन जो है उसमें कॉलम्स बनते हैं और इन कॉलम्स में जो है आपके ओव्यूल लगे रहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल मींस जहां पर ये हमारा है और यहां बीच बीच में इस तरह से क्या लगे रहे ओव्यूल लगे रहे, इस तरह की जो अरेंजमेंट है उसको हम क्या कहते हैं फ्री सेंट्रिक अरेंजमेंट। फ्री सेंट्रिक अरेंजमेंट में क्या होगा कि जो ओव्यूल होंगे वो फ्रीली अरेंज होंगे। कैरियोफिलेसी जो फैमिली है उसमें इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। मैं आपको अंजीर सर कीवी अंजीर नहीं कीवी आपको शो कर रही हूं। कीवी में आप लोग देख रहे हो कि जो ब्लैक ब्लैक कलर के जो दिख रहे हैं वो क्या है, वो आपके ओव्यूल है जो क्या लगे हुए हैं, कहां लगे हुए हैं, सेंटर में है, कोई कॉलम नहीं है,
सेंटर में इसी तरह से ये फैले हुए रहते हैं। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्री सेंट्रिक अरेंजमेंट। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है उसको हम कहते हैं सुपरफेशियल टाइप। निलंबियम जो है उसमें ये हमें दिखेगा। सुपरफेशियल जो टाइप है इसमें हमें ऐसे लगेगा कि कॉलम बने हुए हैं, लेकिन कॉलम नहीं बने हुए होते, लॉक्यूल नहीं बने होते हैं, इनमें इस तरह से ओव्यूल लगे होते, लॉक्यूल नहीं बने होंगे, ये इस तरह से अरेंज होगा, आप लोग देख सकते हो। जो हमारा मस्क मेलन है इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें इस तरह से लग ऐसा रहा है कि फ्री सेंट्रिक है, लेकिन होते नहीं है, इस तरह से ये अरेंज होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा बेसल प्लासेंटेशन। बेसल प्लासेंटेशन में क्या होता है कि ओव्यूल इस तरह से एक अकेला सिंगल ओव्यूल, इसमें नॉर्मली क्या होगा, एक ही सिंगल कार्पल होगा, एक ही ओव्यूल ओव्यूल होगा, और जो बेस में लगा रहता है इसको हम कहते हैं बेसल प्लासेंटेशन। इस तरह से एक सिंगल बेस में एक ओव्यूल लगा रहता है इसको हम कहते हैं बेसल प्लासेंटेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करें पैराइटल प्लासेंटेशन। पैराइटल प्लासेंटेशन में क्या होता है कि जो हमारे प्लासेंटा है उसकी जो ये पैराइटल मतलब परिधीय भाग है यहां पर इस तरह से ओव्यूल लगे हो, इस तरह से ओव्यूल अगर लगे हुए होते हैं उनको हम कहते हैं पैराइटल प्लासेंटेशन। आप लोग देखेंगे इस तरह से पैराइटल प्लासेंटेशन में अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने आज गाइनोशियम्स की प्लासेंटा से रिलेटेड, प्लासेंटेशन से रिलेटेड 6 टर्म्स देखी, मार्जिनल, एक्साइन, फ्री सेंट्रल, सुपरफिशियल, बेसल और पैराइटल। और इनके नीचे है मार्जिनल फैबेसी फैमिली में, इसके अलावा भी प्रेजेंट होते हैं, एक्साइन, सोलेनीसी, फ्री सेंट्रिक, कैरियोफिलेसी, सुपरफोशियल, निलंबियम, बेसल, हेलियंथस, पैराइटल, मस्टर्ड। इस तरह से ये प्लासेंटा, प्लासेंटा क्यों जरूरी है, हम लोग इनके स्ट्रक्चर क्यों देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम जब फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे, फ्लोरल फॉर्मूला तो आप लोगों ने देख लिया, जब हम फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे तो उस फ्लोरल डायग्राम में हम लोग इस चीज को भी शो करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने गाइनोशियम से रिलेटेड टैक्सोनॉमिक टूल्स देखी, कल हमारा जो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे इनके इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। तो आज हम लोगों ने गाइनोशियम से रिलेटेड टर्म्स देखी, नंबर ऑफ कार्पल के बीच में हमने देखा मोनोकार्पलरी, बाइकार्पलरी, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और मोर देन 5 मल्टीकार्पलरी। फिर हमने पढ़ा कि कार्पल अगर फ्यूज होंगे तो सेनकार्पस और अगर फ्री होंगे तो एपोकार्पस। फिर हमने लॉक्यूल के बेस पर देखा यूनिलॉक्युलर, बायलॉक्युलर, ट्राइलॉक्युलर, टेट्रालॉक्युलर, पेंटालॉक्युलर और मोर देन 5 मल्टीलॉक्युलर, ठीक है। फिर ओवरी के बेस पर देखी सुपीरियर, इंफीरियर, हाफ सुपीरियर, हाफ इंफीरियर, ठीक है। उसके बाद हमने प्लासेंटा प्लासेंटेशन देखा, मार्जिनल, एक्साइन, फ्री सेंट्रिक, सुपरफिशियल, बेसल और पैराइटल प्लासेंटेशन, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे इनफ्लोरेसेंस की, जो हमारा फ्लावर है वो फ्लावरिंग जो एक्सेस है उस पर किस तरह से अरेंज रहते हैं। तो ये हमारा कल के लिए, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।